हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्रिसमस स्पेशल में शेयर करेंगे बहुत ही इजी और टैम्पटिंग दिखने वाला ये केक, जो बहुत ही फटाफट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे बर्थडे पार्टीज़ में भी बना सकते हैं, क्रिसमस के लिए भी बना सकते हैं, और इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। सो आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो यहाँ ले लिया है मैंने 1 कप बिस्किट का पाउडर। यहाँ मैंने कराची बेकरी का बिस्किट का को ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि वो बिस्किट बहुत सॉगी हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे, तो वो खाने में नहीं आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसका केक बनाते हैं, और रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मीठा भी है, इसमें बटर भी है बहुत सारा पहले से। सिंपली इसे दूध में मिक्स करके एक इस तरीके का बैटर बना लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ना ही आपको इसे बहुत ज़्यादा बीट करना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको डालनी ही नहीं है। आपके पास जो भी इस तरीके के बिस्किट पड़े हैं तो आप उनको इस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं। और यहाँ ले लिया है मैंने 1 पाउच इनो का, और इसे भी हम इस तरीके से मिक्स कर देंगे बहुत ही हल्के हाथों से। और इसे मैं बेक कर रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने प्री हीट करने के लिए सिम गैस पर रख दिया है। तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। टिन को मैंने पहले से रेडी कर लिया है, बस हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और ये बैटर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि कराची बेकरी बिस्किट में टूटी फूटी ड्राई फ्रूट्स वो सारे कुछ होते हैं, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ये वाला केक ट्राई कर रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिए, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। अच्छे से टैप करेंगे और इसे रखेंगे कढ़ाई में बेक करने के लिए। और इस तरीके से इसे ढक देंगे। 5 से 7 मिनट बाद आप देखिए ये इस तरीके से फूल गया है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स या टूटी फूटी भी डाल सकते हैं, पर मैं इसे यहाँ ऐसे ही रखूँगी। यहाँ पर आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, अगर आपको जो भी चीज़ें ऐड करनी हैं। तो ये केक अच्छे से बेक हो गया है। ये नॉर्मली केक जो हम बनाते हैं उतना नहीं फूलेगा, और देखिए ये कितने इजीली डीमोल्ड हो गया है। बटर पेपर को निकाल देंगे, ये आपका ब्रिटानिया केक जैसा कुछ बन जाएगा, और इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो है ना बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जब भी आपके कोई बिस्किट इस तरीके से हो जाएं तो आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा। कोई से भी बिस्किट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कराची बेकरी के बिस्किट ही हों, जो भी बिस्किट हों आप उनसे बना सकते हैं। तो आप देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट बन गया है और बहुत ही ज़्यादा टैम्पटिंग। तो ज़रूर ट्राई करिए इस क्रिसमस या किसी भी बर्थडे पार्टीज़ में। और वीडियो कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।